हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग ठीक हैं। आज की वीडियो में रेसिपी है ये मज़ेदार मॉइस्ट और एकदम चॉकलेटी चॉकलेट मफिन्स बनाने की। तो चलिए शुरू करते हैं इस मज़ेदार रेसिपी को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बटर मिल्क तैयार करेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पर 3/4 कप यानी कि 180 ml दूध लिया है और इसमें डाला है 1 teaspoon वाइट विनेगर। दूध न ठंडा है न गर्म है, नॉर्मल रूम टेम्परेचर का दूध है और उसमें ये विनेगर डालने के बाद हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए एक साइड पर रख देंगे ताकि हमारा बटर मिल्क तैयार हो जाए। जब तक वो तैयार हो रहा है हम यहाँ पर अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स को एक साथ कर लेते हैं। इस बोल में मैंने लिया है 1.5 कप मैदा जिसमें डाला है 3/4 कप कोको पाउडर, 1 teaspoon मैंने डाला है इसमें बेकिंग पाउडर और 1/2 teaspoon डाला है बेकिंग सोडा। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स करके एक साइड में रख देंगे। और इधर इस दूध को छोड़े हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं और अब इसकी कंसिस्टेंसी एकदम परफेक्ट है। अब मैं इसमें शामिल करूँगी 1.5 कप पाउडर्ड शुगर इस तरह से और साथ ही इसमें डालेंगे 1 teaspoon वनीला। अब इन दोनों चीज़ों को हम थोड़ा सा विस्क कर लेंगे ताकि ये जो पूरी हमने चीनी इसमें डाली है, हालांकि ये पाउडर्ड शुगर एकदम बारीक है लेकिन ऐसे मिक्स करके ये अच्छे से इसमें डिजॉल्व हो जाएगी। अब हम इसमें शुगर को डिजॉल्व कर चुके हैं। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 अंडे। तो रूम टेम्परेचर पर हैं अंडे, ठंडे बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए, एकदम नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ये 2 अंडे हैं जो हम इसमें शामिल कर देंगे। इसको भी इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर दें। इस मिक्सचर में एग शामिल करने के बाद भी मैंने इसको खूब अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब मैं इसमें डालूंगी 3/4 कप ऑयल। ये ऑयल बिल्कुल फ्रेग्रेंस फ्री है, इसमें आप सरसों का तेल या कोई भी बहुत स्ट्रॉन्ग स्मेल वाला ऑयल ना यूज़ करें। और अगर आप ऑयल नहीं यूज़ करना चाहते तो इतनी ही क्वांटिटी में आप बटर को मेल्ट करके भी इसमें डाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए ऑयल भी डाल दिया है। सब चीज़ों को खूब अच्छे से हमें मिक्स करना है। अब हम वो अपना ड्राई इंग्रेडिएंट्स लेंगे जिसको हमने मिक्स करके रखा था, ये देखिए, और धीरे धीरे करके इस तरह से इसमें शामिल करते रहेंगे और इस विस्क की हेल्प से इसको हम मिक्स करते रहेंगे। एक साथ पूरा इसमें ऐड नहीं कीजिएगा, उससे ये थोड़ा लंपी हो सकता है। थोड़ा थोड़ा कर कर डालते रहें, मिक्स करते रहें और इसी तरह से ये पूरे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लें। तो बस यहाँ पर देखिए मैंने सारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें शामिल कर लिए हैं और ये हमारा एकदम स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ मफिन का बैटर रेडी हो गया है। ये देखिए एकदम परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। बस बहुत ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं हमें करना है इसको और ना ही इसको मिक्स करने के बाद वेट कराना है। इमीडिएटली हम अपने इस कपकेक मोल्ड में इसको शामिल कर देंगे जिसपे मैंने कपकेक लाइनर्स लगा दिए हैं और उसको थोड़े से ऑयल से ग्रीस भी कर दिया है। इसी पॉइंट पर मैंने ओवन को भी ऑन कर दिया है 170 डिग्री पर 10 से 15 मिनट के लिए। उसको मैं पहले प्रीहीट कर लूँगी। इस बैटर को यूज़ करके मीडियम साइज़ के आप 18-20 मफिन्स तैयार कर सकते हैं। और इस पॉइंट पर अगर आप चाहें तो आप इसमें किसी तरह का कोई ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी ऐड कर सकते हैं, उससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा हो जाता है। थोड़ा सा इसको टैप करेंगे और ये ट्रे एकदम रेडी है बेक होने के लिए। 170 डिग्री पर 12 से 15 मिनट के लिए मैंने इसको बेक करा और उसके बाद यहाँ पर हमारे ये मज़ेदार चॉकलेटी मफिन्स रेडी हैं। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार और स्पॉन्जी बनके ये तैयार होते हैं। आप जैसे भी चाहें आप इसकी फ्रॉस्टिंग कर लें या जिस भी तरीके से चाहें इसको डेकोरेट कर लें। मैंने तो बस थोड़े से एडिबल स्प्रिंकल से इस तरह से इसको कवर कर दिया था, उससे ये और भी ज़्यादा टेस्टी और यमी हो जाता है। वैसे तो ये अपने आप में ही बहुत ही मज़ेदार और चॉकलेटी बनके तैयार होते हैं। इस रेसिपी से एक बार आप मफिन्स बनाना ट्राई ज़रूर कीजिएगा, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह जल्दी मिलेंगे एक नई आसान और मज़ेदार रेसिपी के साथ। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।